नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ओर से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से 7,000 रुपए तक बढ़ाने के लिए पेंशन धारकों ने रक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, कुछ दिन पहले एक बार और रक्षा मंत्री जी को यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया था। उन्होंने जो वादा किया था, उन वादों को याद भी यहाँ पर दिलाया गया। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने महामंत्री राजशेखर नागर के नेतृत्व में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और पिछले माह दिल्ली में उनके द्वारा किए गए वायदे को याद दिलाया। उन्होंने पेंशन धारकों की समस्या को प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री से वार्ता करने का वायदा किया था। श्री नागर ने उन्हें बताया कि पेंशनर्स आर्थिक बदहाली झेल रहे हैं, परंतु उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। रक्षा मंत्री ने संसद के मानसून सत्र में पेंशन मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने का विश्वास दिलाया और श्रम मंत्री से पुनः पत्र लिखने को कहा। प्रतिनिधि मंडल में गिरेंद्र सिंह, अशोक वाजपेयी एवं रवि गुप्ता जी यहाँ पर शामिल रहे थे। तो जैसे कि मैंने पिछली बार जब यहाँ पर राजनाथ सिंह जी से मुलाकात हुई थी, उस समय का भी अपडेट आपको यहाँ पर दिया था कि राजनाथ सिंह जी से यहाँ पर मुलाकात हुई है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो डिमांड है उन्हें प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का उन्होंने वादा किया है। उसी वादे को याद दिलाते हुए ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने फिर से एक बार यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को ज्ञापन सौंपा है और उनसे फिर से निवेदन किया है। और राजनाथ सिंह जी ने भी यहाँ पर जो है वादा किया है कि वह ये जो मानसून सत्र यहाँ पर आने वाला है, जो कि 20 तारीख से यहाँ पर शुरू हो रहा है, इस मानसून सत्र में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो भी डिमांड है उन्हें जो है मानसून सत्र में रखा जाएगा और इसके बाद क्या कुछ निर्णय निकल कर आता है इसको जो है हम यहाँ पर चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। तो यही एक लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए निकल कर आ रहा था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी, ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह से पीएफ पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट, कर्मचारियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए हमारे चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।